हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। आज बच्चों स्क्रीन पर लिखा हुआ होगा, अच्छा फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, मैं इसको सही कर देता हूँ। एवरीथिंग इज फाइन नाउ? ओके, तो एवरीथिंग इज फाइन नाउ। तो हम लोग इस बात पर थे कि लिमिट्स का डिस्कशन हमारा पूरा हो चुका है, हेमंत सर ने स्ट्रीम शेड्यूल की थी। तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ बच्चों, वैसे आज लिमिट्स का कोई डिस्कशन नहीं है क्योंकि जेई मेन का डिस्कशन हम लोग कर ले चुके हैं पूरा। तो आज हमें कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन स्टार्ट करना था, लेकिन हेमंत सर ने वो लिमिट का कंटिन्यूएशन में, क्योंकि मैं उनको बोलना भूल गया था, तो स्ट्रीम्स वही सेट करते हैं। तो अभी मुझे आप ये बताओ कमेंट बॉक्स में, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम लिमिट्स प्रीवियस ईयर जेई मेन और क्वेश्चन बैंक? आई रिपीट, आई एम आस्किंग इज देयर एनी डाउट फ्रॉम द चैप्टर लिमिट्स? अगर डाउट है तो से यस, और नहीं है तो फिर मैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अगर डाउट्स है तो यस, डाउट्स नहीं है तो नो। यस सर, तो पूछिए डाउट कहां से डाउट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 2, 12 एंड 20। ओके, 2, 12 एंड 20। तो पहले मैं लिमिट्स के डाउट बता देता हूं। ये 2, 12 एंड 20 जेई मेन का ही है ना, वैसे भी मैंने क्योंकि जेई मेन के लिए ही बोला था। तो जेई मेन में जो पेंडिंग डाउट्स हैं उनमें सबसे पहला डाउट आया क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो मैंने कल बताया था शुभम, इसमें करेक्शन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 करना है फिर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बोल रहा हूँ कि करेक्शन करना है, एक्सटेंडिंग टू 2 करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कल का लेक्चर देखना है शुभम, और उसके बाद में भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछना है कल का लेक्चर देखा या नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 12 मैं कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 छोड़ना है बिकॉज ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अभी नहीं करना है। तो शुभम यू आस्क टू 3 डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सटेंडिंग टू 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, कल का लेक्चर देखना है, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। उसके बाद 20 है, 20 को छोड़ना है, 20 डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सो मैंने टाइटल चेंज कर दिया है स्ट्रीम का, यू कैन चेक। हाँ, तो कल का लेक्चर देखना है बेटा क्योंकि मैंने 12 बहुत अच्छे से डिस्कस किया है।
तो अभी शुभम तुम्हारे डाउट्स क्लोज हो गए, तो अब मैं इस स्ट्रीम का टाइटल चेंज कर चुका हूं, विच इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन लेक्चर वन, और अभी थोड़ी ही देर में थंबनेल भी चेंज हो जाएगी, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आज कुछ बच्चे इसलिए नहीं आए क्योंकि उनको लगा कि डिस्कशन होगा, तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो कि सब कॉन्टिन्यूटी पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं, अगर उनकी मर्जी होगी तो वो अटेंड कर लेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, टुडे इज द लेक्चर वन। ठीक है, थंबनेल में चेंज कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो अब बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। जैसे ही हम लोग कोई टॉपिक लिखते हैं, वी फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार या फ्लोबल। फंक्शन आपको पता ही है, फंक्शन y in terms of x, फंक्शन मतलब जब भी कोई फंक्शन बोले मतलब y फिजिकल क्वांटिटी x पर डिपेंडेंट है, इसी को fx कहते हैं, यानी x का एक्सप्रेशन। फंक्शन मतलब x का एक्सप्रेशन है किसी वेरिएबल का एक्सप्रेशन। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई। यूजुअली मेरी क्लास में 12 से 13 व्यूअर्स होते हैं, यानी क्लास 12 के बच्चे 12 से 13 लाइव होते हैं, अभी 8 व्यूअर्स हैं। तो अगर आप अपने दोस्त को बता दो, क्योंकि उन्होंने ये सोचा होगा स्ट्रीम देख करके कि डिस्कशन है, डिस्कशन तो मैंने ले लिया, आप तुरंत बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई क्लास चालू कर दी है सर, कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का लेक्चर वन है, वो तुरंत ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन को पढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज आपको बताना चाहूंगा, आप उसको अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखना, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। यहां मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, तो लिखा मैंने ऑब्जर्व दीज ग्राफ्स, इन ग्राफ्स को आपको ऑब्जर्व करना है, घूर घूर के देखना है। ठीक है, पहला ग्राफ मैंने बनाया इस तरीके का, कुछ ग्राफ बनाया, दूसरा ग्राफ मैंने बनाया तीसरा ग्राफ मैंने बनाया, ये पहला है, दिस इज सेकेंड ग्राफ, थर्ड ग्राफ ऐसा कुछ है, फोर्थ ग्राफ ये थर्ड है, ओके। ये ग्राफ आपको दिख रहे हैं, अब ग्राफ वन को अच्छे से देख लो, ग्राफ टू को अच्छे से देख लो, ग्राफ थ्री को अच्छे से देख लो और ग्राफ फोर को अच्छे से देख लो, आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दीज ग्राफ्स, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ग्राफ, विच ऑफ दीज ग्राफ्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। माय क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज ग्राफ्स इज और आर, मल्टीपल भी हो सकता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब ही कर रहे हो, जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। थर्टी सेकेंड्स में आपको जवाब देना है। विच वन ऑफ दीज ग्राफ्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। दीजिए जवाब। ओके, आई गॉट द रेस्पॉन्सेज 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3। ओके, सो मेनी रेस्पॉन्सेज, वेरी गुड। टू कॉन्टिन्यूस में टूट गया है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूस का जो वर्ड का मीनिंग हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो टू की कॉन्टिन्यूटी टूट गई सर, थर्ड की भी कॉन्टिन्यूटी टूट गई सर, यहाँ आकर भी टूट गया, फ्लो नहीं बन रहे हैं, और आपने आंसर दिया 2, 3, 4, तो बच्चों 4, अच्छा 4 नहीं दिया, 2, 3, 2, 3, वेरी गुड। तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अगला क्वेश्चन है मेरा,
which of these graphs is oblique r is discontinuous at only one point, exactly one point. यानी इनमें से कौन कौन से ग्राफ एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस हैं? जवाब दीजिए. इन चारों में से कौन कौन से ग्राफ एक ही पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस हैं, किसी एक ही पॉइंट पर? Okay, I got responses. Aditi Pandey says 2 and 3. Mayank Kaushik says 3. Mohak Tiwari says 2. Baki ka response nahi mila mujhe abhi tak. Second and third, Ayush Gavai. Okay. Dekho bachcho, ye ek hi point par discontinuous hai. Kyunki is point par koi value nahi hai. Is point par koi value nahi hai. Okay. Isme 2 par डिसकॉन्टिन्यूस, जैसे सेकेंड में क्या हुआ कि अगर x इक्वल टू a है तो सर a पर कोई पॉइंट ही नहीं है, तो जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो फ्लो कैसे मेंटेन होगा? समझ रहे हो ना? तो यानी कि कोई पॉइंट ही नहीं है तो a पर, जब पॉइंट ही नहीं तो a पर ग्राफ टूट गया, तो डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a, a पर टूट गया मतलब a पर पॉइंट नहीं है. रीजन क्या है? नो वैल्यू ऑफ f है, या नो वैल्यू ऑफ f है. जब ऐसे देखते हुए आ रहे थे ग्राफ को, तो a पर कोई वैल्यू ही नहीं है तो डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, a पर पॉइंट गायब हो गया. चलते हुए ग्राफ में से ये पॉइंट आप गायब कर दोगे तो डिसकॉन्टिन्यूस तो होना है. फिर थर्ड आपने बताया, कुछ बच्चों ने थर्ड बताया, कुछ बच्चों ने नहीं बताया, कुछ बच्चों ने सिर्फ सेकंड कहा. अब आप देखो बच्चों, टू पर वैल्यू तो है, टू पर वैल्यू तो है, तो आप मुझे बताओ कि तब भी ये डिसकॉन्टिन्यूस क्यों है? देखो टू पर वैल्यू है. अब आप देखो डिसकॉन्टिन्यूस इसलिए है क्योंकि सर ग्राफ का फ्लो ऐसे आ रहा था, फिर अचानक से यहां से चला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बंदा ऐसे चल रहा था या ग्राफ ऐसे था, अचानक से यहां से चलने लग गया, तो ये भी तो डिसकॉन्टिन्यूटी है. तो ये क्या है? डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2. रीजन क्या है? ग्राफ इज नॉट, अभी आप हंसोगे, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, पक्का हंसोगे. अब मुझे नहीं पता, देखो क्या लिखा मैंने, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, मतलब ये ग्राफ x इक्वल टू 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है. रीजन क्या दिया है? ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, क्योंकि बच्चों कॉन्टिन्यूस वर्ड को फील करना है, तो फील कैसे करते सर? 2 पर तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन ही नहीं है, टूट रही है. ओके okay. तो थर्ड भी आंसर होगा. इसका रीजन है कि सर नहीं है कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस में तो वैसे फ्लो बनना चाहिए या टूटा नहीं चाहिए, यहां तो टूटा है, चलते चलते पहले ऐसे चल रहा था फिर यहां से चलने लग गया, और ये कॉन्टिन्यूस है क्योंकि ऐसे चल रहा था फिर यहां पर ये वैल्यू थी फिर ऐसे चल रहा, ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं. तो इसका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड, ये भी टू पर डिसकॉन्टिन्यूस है एक ही पॉइंट पर. ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा, आपको सिर्फ ग्राफ को ऑब्जर्व करना है. अगले तीन ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूं, ये बनाया मैंने ऐसा कुछ, ये 2 है x इक्वल टू 2, ये ग्राफ फर्स्ट, सेकंड ग्राफ है, ये सेकंड है, थर्ड ग्राफ, ये x इक्वल टू 0,
ओके ऑब्जर्व दिस ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस व्हिच आई एम आस्किंग टू. अच्छे से घूर घूर के देखो. क्वेश्चन है मेरा कि इसको भी टू बोल दीजिए आप, ताकि पूछने का वो जो है पैटर्न सेम रहे. तो ये टू है, ये ओरिजिन है. ओके पहला क्वेश्चन है, इन चारों ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए. पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्राफ यानी विच ऑफ दीज ग्राफ, विच ऑफ दीज ग्राफ हैज द प्रॉपर्टी, हैज द प्रॉपर्टी लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एट x इक्वल टू टू. क्वेश्चन ये है, एक दो तीन चार, चारों ग्राफ को देख करके बताइए इनमें से कौन कौन सा फंक्शन x इक्वल टू टू पर कॉन्टिन्यूस, सॉरी x इक्वल टू टू पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है. आंसर लिंक इन द कमेंट बॉक्स. इनमें से किस किस ग्राफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू टू पर, या किस किस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू टू पर. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. अनिमेश साहू आंसर्ड फर्स्ट 1 2 एंड 4, 2 3 एंड 4, साथी प्रियमदा 1 2 एंड 4. ओके अब रिकॉल करो कॉन्सेप्ट्स को. फंक्शन का जो ग्राफ है उसकी लिमिट a पर कॉन्टिन्यूस, सॉरी a पर एग्जिस्ट कब करती है, जब a के जस्ट पहले और a के जस्ट बाद वैल्यू सेम हो. 2 के जस्ट पहले वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2 प्लस देखना है. तो हमें देखना है f ऑफ 2 माइनस और f ऑफ 2 प्लस. अगर ये दोनों बराबर है, f ऑफ 2 हो या ना हो, f ऑफ 2 हो या ना हो, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, हो या ना हो, डजंट मैटर. द थिंग विच मैटर्स इज कि अगर 2 पर आपको लिमिट के एग्जिस्टेंस को सोचना है तो ग्राफ में x इक्वल टू 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद वैल्यू एग्जिस्ट सेम करना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए. 2 के जस्ट पहले इंफिनिटी, 2 के जस्ट बाद इंफिनिटी, बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. रीजन, जो लिमिटिंग वैल्यू है वो फाइनाइट नहीं है. रीजन है लिमिटिंग वैल्यू is not finite. ठीक है, 2 पर देखते हैं. 2 के जस्ट पहले फंक्शन ऑफ 2 माइनस 0 है, फंक्शन ऑफ 2 प्लस भी 0 है. 2 के जस्ट पहले वैल्यू 0, 2 के जस्ट बाद वैल्यू 0, तो सर लिमिट एग्जिस्ट. ठीक है, उसके बाद में फंक्शन ऑफ और फंक्शन ऑफ 2 भी क्या है, 0. तो बच्चों लिमिट एग्जिस्ट करती है इसकी, यानी यहां पर लिमिट ऑफ फंक्शन exists at x equal to 2. क्या देखो, function of 2 minus 2 के just पहले value 0, function of 2 plus 2 plus यानी क्या है value, 0 से बड़ी है. इसको आप कुछ भी बोल दो, suppose 4 बोल दो, ठीक है. और function of 2 पर कौन सा point लेना है सर, ये वाला point को exclude कर दिया तो function of 2 0 है. limit के लिए सर इसका कोई मतलब ही नहीं होता. तो यहां पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों नहीं करती है डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. यहां पर रीजन है कि f ऑफ 2 माइनस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस. यहां पर कुछ और रीजन था, दोनों बराबर है लेकिन सर लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट फाइनाइट. तो थर्ड वाला भी आंसर में आ जाएगा. क्यों आ जाएगा, अच्छा नहीं, विच ऑफ दिस ग्राफ्स हैज द प्रॉपर्टी लिमिट एग्जिस्ट. तो बच्चों इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट
करती है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद में यहां देखो फंक्शन ऑफ 2 माइनस यानी ये वाली वैल्यू और फंक्शन ऑफ 2 प्लस दोनों सेम है। फंक्शन ऑफ 2 से हमें मतलब ही नहीं है, फंक्शन ऑफ 2 ये वाला पॉइंट तो एक्सक्लूड कर दिया, 2 पर कौन सा पॉइंट माना जाए ये वाला पॉइंट माना जाए। तो यहां से क्या सीखे, सर फंक्शन ऑफ 2 है बट हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद आउटपुट सेम है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट। तो बच्चों इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है 2 पर, क्या पूछा है जिसकी करती है। फिर उसके बाद में सेकंड इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, सेकंड आ गया। थर्ड की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, 2 के पहले और 2 के बाद वैल्यू सेम नहीं है, और फोर्थ की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आंसर होगा सिर्फ सेकंड एंड फोर्थ। सबसे पहले करेक्ट जवाब मुझे दिया था, सबसे पहले करेक्ट जवाब मुझे दिया था टू और फोर, किसी का नहीं आया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वो लिखना मैं चाह रहा था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो किसी का भी करेक्ट जवाब नहीं आया, आंसर होना चाहिए था टू एंड फोर। आपने वन को भी ले लिया बच्चों, तो लिमिट एग्जिस्ट होने की कंडीशन का कॉन्सेप्ट आप पूरा लिमिट पढ़ चुके हो लेकिन आप नहीं समझ पाए। अब बच्चों ऑब्जर्वेशन हुआ पूरा, इफ इज देयर एनी डाउट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज मैं कॉन्टिन्यूली पढ़ाना स्टार्ट कर दे रहा हूं। किसी ने भी करेक्ट जवाब नहीं दिया, एक बार मैं फिर कमेंट बॉक्स को देख लेता हूं, किसी का भी करेक्ट जवाब नहीं था, 2-4 किसी का था ही नहीं, सबने लाइन से 1-2-4 जवाब दिया था। लिमिट पढ़ने के बाद में भी हमारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, तो या तो पढ़ाने वाला गड़बड़ है या आप गड़बड़। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1, अब हम लोग चालू कर रहे हैं चैप्टर कॉन्सेप्ट 1, लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a इफ फंक्शन ऑफ a माइनस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a प्लस इज इक्वल टू फाइनाइट। शायद ये आपको पढ़ाने वाले सर ने नहीं लिखा है लेकिन आपको समझना चाहिए था, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लिमिटिंग वैल्यू कहां है वो होना चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फिट करना इसका ग्राफ जो भी होगा, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ a पर कॉन्टिन्यूअस होने के लिए आपने क्या देखा, ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो f ऑफ a माइनस मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ a प्लस, a के जस्ट पहले वैल्यू, a पर वैल्यू और a के जस्ट, लिमिट के लिए f ऑफ a का होना जरूरी नहीं है, f ऑफ a में और मे नॉट एग्जिस्ट, में और मे नॉट एग्जिस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉन्टिन्यूटी अगर देखनी है तो एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू a इफ a पर जो वैल्यू है वही लिमिटिंग वैल्यूज है। तो बच्चों अगर मैं x इक्वल टू a पर बात कर रहा हूं तो a तक ऐसे आ रहा है, a पर यहां पहुंचा तो a के बाद भी यहीं से चालू होना चाहिए। तो a पर वैल्यू, a के जस्ट पहले वैल्यू और a के जस्ट बाद वैल्यू, तो ये ग्राफ x इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस है। अब मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 अगर आप समझ गए तो कॉन्टिन्यूटी की शर्त क्या है और ये सब क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अब अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को समझ गए तो टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स, नहीं समझे फील नहीं आए तो टाइप नो इन द कमेंट बॉक्स।
आई हैवंट रिसीव्ड बच्चों, आई एम आस्किंग कॉन्सेप्ट नंबर वन और कॉन्सेप्ट नंबर टू जो समझ गए 100% से यस, और नहीं समझे तो से नो, फील आना चाहिए पूरी। टोटल 30 वीवर्स हैं, आई नीड एटलीस्ट 10 रेस्पॉन्स। वन टू थ्री फोर फाइव, अभी तक फाइव यस मुझे मिले, मैं नहीं बढ़ूंगा बच्चों आगे, इट मैटर्स टू मी। ये इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि कोई स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट, या जैसे होता है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वो नहीं है, मुझे चाहिए क्योंकि इसके बिना मैं नहीं बढ़ पाऊंगा आगे। सोच करके जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तब आप इमेजिन करेंगे, और इमेजिन करेंगे मतलब आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठेंगे, और अगर आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाएंगे तो मेरे लिए पढ़ाना आसान होगा। एक दो तीन चार पांच छह यस आया अभी तक। सो फाइनली वेट इज ओवर बच्चों, कुछ भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। एक दो तीन चार पाँच छ सात, अभी भी चार मिस्टर इंडिया हैं। ठीक है, मैं पढ़ाना चालू कर देता हूँ। आयुष लेवे पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी के लिए के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यही एकमात्र शर्त है। फील कर लो, एक चलता हुआ ग्राफ किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं तो वो तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब एल एच एल आर एच एल और ए पर वैल्यू सेम हो, क्योंकि वही पॉइंट हो गया ना, तो कंटिन्यूटी मेंटेन है। अब बच्चों आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और फिर पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। तो टॉपिक है हमारा, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। कॉन्सेप्ट है, फील कर लो ग्राफ का किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस हो रही है, किसी पॉइंट पर, एट अ पॉइंट। पूरे डोमेन का ठेका नहीं ले रहे हम लोग, किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट है अ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू फाइनाइट। ठीक है, ओके। अब पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू वन एक्स ग्रेटर देन वन पर है 2x plus k is sorry 2x plus 2x minus 1 is yeah sorry check fx is continuous at x equal to 1 or not। आंसर कैसे दोगे? यस, अगर कॉन्टिन्यूस है ये फंक्शन x इक्वल टू वन पर। आंसर दोगे नो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है। टाइम शुरू होता है आपका अब।
आई गॉट 2 इयर्स 3 इयर्स फोर इयर्स 5 इयर्स ओके लेट मी सॉल्व एक फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर क्वांटिटी चेक करनी है तो फंक्शन ऑफ 1 माइनस निकालना पड़ेगा फंक्शन ऑफ 1 निकालना पड़ेगा फंक्शन ऑफ 1 प्लस निकालना पड़ेगा क्यों टू चेक क्वांटिटी ऑफ द फंक्शन ये सॉल्यूशन है टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 ये तीनों हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ 1 माइनस मतलब इनपुट जो है 1 से जस्ट पहले है तो 1 से जस्ट पहले मशीन इसके हिसाब से काम करती है तो 1 माइनस का स्क्वायर मतलब 1 पहले चलाई 1 फंक्शन ऑफ 1 में इनपुट गया 1 सर इसके हिसाब से डिसाइड होगा 1 का स्क्वायर दैट इज 1 1 माइनस का मतलब समझते हो ना 0.99999 लगाते जाओ उसका स्क्वायर 1 ही आएगा एफ ऑफ 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1 के जस्ट बाद आउटपुट इसको फॉलो करेगा 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 दैट इज 2 प्लस माइनस 1 दैट इज 1 प्लस मतलब 1 फंक्शन ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 1 प्लस मींस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है वो बोलते मुझे समझ नहीं आया ऐसा रिपीट कीजिए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा अब इसको हम लोग ग्राफिकली देखते हैं ये तो हो गया कि कॉन्टिन्यूस है ग्राफिकली समझते हैं कि सर फील करवाओ कि इसका ग्राफ कॉन्टिन्यूस है तो ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 4 सर x स्क्वायर का ग्राफ 1 तक बस बनाना है तो 1 पर वैल्यू क्या होगी 1 होगी 0 पर 0 होगी माइनस 1 पर 1 होगी माइनस 2 पर 4 होगी तो ऐसा ग्राफ आएगा पैराबोला टाइप का और 1 के आगे ग्राफ किसी दूसरे तरीके से बनेगा तो ये यहां आकर के बस यहां आकर के अटक जाएगा 1 के जस्ट बाद एक स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 1 पर तो वैल्यू डिसाइड हो चुकी है 1 प्लस 1 के बाद स्ट्रेट लाइन बनेगी तो 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी 1 2 पर 2 2 जा 4 माइनस 1 3 3 2 जा 6 माइनस 1 5 तो ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो बच्चों कहीं टूटा ही नहीं क्योंकि 1 के जस्ट बाद में वैल्यू भी यहां से 1 पर वैल्यू 1 ही थी और 1 के जस्ट बाद में यहीं से चालू होगी और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप 2 और 3 पर आउटपुट लेकर के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन 1 तक ही ड्रॉ करनी है और 1 पर पॉइंट इसका नहीं ले रहे इसका ले रहे लेकिन दोनों ऑलमोस्ट बराबर है 1 प्लस पर इसका आउटपुट और 1 माइनस पर इसका आउटपुट और 1 पर आउटपुट सेम है तो ये ग्राफ क्या है कॉन्टिन्यूस ब्रेक ही नहीं हुआ तो फील कर लो कि सर 1 पर कॉन्टिन्यूस है ये पैराबोला जैसा नहीं है स्ट्रेट लाइन है पैराबोला होता तो ऐसा होता तो 1 पर आकर के पैराबोला खत्म हो गया 1 तक पैराबोला था 1 के बाद स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन और ये पैराबोला इसका ग्राफ आप देख सकते हो किस तरीके से बना हुआ है अगला क्वेश्चन है इस एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स लेस देन 0 4x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कॉन्टिन्यूस इज फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 से यस इफ इट इज कॉन्टिन्यूस से नो इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस
एक दो तीन चार पांच, टोटल व्यूवर्स 14, लेकिन मुझे मिले 6 रेस्पॉन्सेस, 7 रेस्पॉन्स, मैं आपको पहले बता दूं, आपको बच्चों सॉल्यूशन को फील करना है, क्वेश्चन को फील करना है, केवल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ओके, हाउ मेनी नो आई गॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 मिस्टर इंडिया। बच्चों या तो इसका ग्राफ सामने हो, और अगर ग्राफ सामने नहीं है तो टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, फील करना 0 पर मुझे वैल्यू LHL और RHL चाहिए। फंक्शन ऑफ 0 माइनस, फंक्शन ऑफ 0 और फंक्शन ऑफ 0 प्लस चाहिए। 0 माइनस मतलब आपको पता है 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा अगर इनपुट है तो इसको फॉलो करते हैं, तो 2 0 से जस्ट छोटे का स्क्वायर माइनस 3 मतलब 0 ही हो जाएगा, 2 इंटू बहुत छोटा नंबर यानी 0 माइनस 3 माइनस 3 आ गया, f ऑफ 0 देखा 2 आया, और f ऑफ 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस ये भी क्या आएगा 2, तो यानी बच्चों हियर f ऑफ 0 माइनस इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, आगे तो जरूरत ही नहीं कहने की, दिस मींस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस यानी डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब हम इसको ग्राफिकली फील करते हैं, सो आई एम गोइंग टू रब इट, जिन बच्चों को फील नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए जिसे नहीं आ रही है। अब इनके ग्राफ बनाता हूं, 0 के पहले इसको फॉलो करेगा, 0 के बाद लाइन को फॉलो करेगा, तो 0 तक तो आप ओके, 0 पर वैल्यू आएगी माइनस 3, तो 0 पर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, फिर माइनस 1 पर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 पर फिर माइनस 2 पर क्या आएगा ग्राफ, माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू 8 माइनस 3 5, माइनस 2 पर 5 आएगा, ठीक है। इस पैराबोला का, ये पैराबोला कौन सा, एक्स क्वाड्रेटिक है, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो रूट 3 बाई 2 अगर मैं रखूंगा तो 0 हो जाएगा। अब आप देखो इस पैराबोला अगर मैं बनाता हूं तो किस तरीके से बनेगा, यहां पर आपने ये देखा पैराबोला स्केच करना आपको आता है 2x² - 3, ये y वर्टेक्स के लिए ये वर्टिकल पैराबोला बनेगा, तो dy/dx कहां 0 होता है, 4x इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल 0 का, तो कहने का मतलब ऐसा ग्राफ आकर के यहां आकर के रुक जाए और ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है क्योंकि x इक्वल टू 0 पर तो ये वाला पॉइंट शामिल है, तो मशीन कहती है कि अगर x इक्वल टू 0 है तो इसको फॉलो करो, तो 0 के जस्ट पहले तो यही फॉलो हो। अब 0 पर वैल्यू है 2, तो ये 2 यहां से ग्राफ चालू होगा, और 0 के बाद 1 पर 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब ग्राफ की शक्ल देखो, ये 0 है, 0 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, इधर तक लगातार मेंटेन था, 0 के बाद कॉन्टिन्यूस है, 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आंसर आएगा नो। हम लोग पढ़ रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, तो मुझे 9 मिले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल व्यूअर्स है 13। अभी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको हर बार ऐसे ग्राफ बना करके नहीं देखना है, क्वेश्चन है इस fx
एक्स अपॉन साइन एक्स का मोड एक्स नॉट इक्वल टू जीरो और वन अगर एक्स इक्वल टू जीरो है. इज एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो? से यस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस, से नो इफ इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. उसके बाद में फिर मैं आपको क्वेश्चन देना चालू कर दूंगा, अभी तो मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं. मोहक पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने का चांसेस है क्या? है बेटा है, लेकिन अभी कुछ मत सोच, छत्तीसगढ़ सरकार डिसाइड करेगी. हम लोग सरकार के गुलाम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा हम लोग चालू कर देंगे. अगर ये कुछ बच्चों की भी परमिशन देंगे तो ट्वेल्थ वालों को बुला लेंगे. डोंट वरी. नौ मिल गया, एक दो तीन चार पाँच छः नौ आ गए. ओके, तो ये जो 14 वीवर्स है भाई ये क्या कर रहे हैं? कुछ मिस्टर इंडिया इनमें जवाब दो. अगर पढ़ना है तो फिर अगर ऐसे ही देख रहे हो तो ऐसे इतना सुंदर तो मैं देख नहीं रहा, गंजा और हूं. ठीक है, तो देखो ये एक ऐसी मशीन है, इस मशीन को जीरो फेंको तो आउटपुट वन मिलेगा. जीरो के अलावा कुछ भी फेंको इसके हिसाब से प्रोसेस होगा. तो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस, एनसीईआरटी हमें ये सिखाती है कि जीरो माइनस का मतलब होता है फंक्शन की जीरो माइनस एच पर वैल्यू. एनसीईआरटी कैसे सिखाती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है अ फंक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मेथड, क्योंकि अभी तक मैं आपको सिर्फ फील करने वाला मेथड पढ़ा रहा था. अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to a if function of a minus is equal to function of a. सर यही तो आपने पढ़ाया, लेकिन NCERT ये सिखाती है कि a minus को फील करके मत लिखो, a minus पर से लिखो, a minus h पर वैल्यू, टू पर वैल्यू नहीं, टू के जस्ट पहले वैल्यू. और जस्ट पहले कितना पहले? सर ये टू माइनस एच जो की ना, टू पर नहीं, टू के जस्ट पहले. LHL वही तो होती है, a पर नहीं, a के जस्ट पहले. s tending to 0. फंक्शन ऑफ ए प्लस क्या होता है? फंक्शन की ए पर नहीं, ए प्लस एच पर वैल्यू. और एच क्या होता है? एनसीईआरटी ऐसे सिखाती है. तो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस मतलब जीरो माइनस एच पर वैल्यू. प्रॉपर तरीके से कर रहा हूं, तो एच टेंडिंग टू जीरो रखा और फंक्शन ऑफ जीरो माइनस एच, तो जीरो नहीं है, जीरो माइनस एच. मशीन दो ही बात समझती है, इनपुट जीरो है या नॉट जीरो है, तो नॉट जीरो है. तो माइनस एच रखा एक्स की जगह माइनस एच, क्योंकि माइनस एच रखना है फंक्शन ऑफ माइनस एच अपॉन साइन माइनस एच का मोड, यानी यही आता है साइन माइनस एच माइनस साइन एच. तो क्या आया? लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एच अपॉन साइन एच, क्योंकि एच पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग, तभी तो जीरो माइनस एच किया. कितना आया? माइनस. अब फंक्शन ऑफ जीरो प्लस निकालते हैं. वैसे तो फैसला हो चुका है इसकी एलएचएल इसके बराबर नहीं है, फिर भी निकाल लेता हूं. फंक्शन ऑफ एच, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस पर वैल्यू देख रहे हैं यानी जीरो प्लस एच पर देख रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच रखना है फंक्शन में, तो एच अपॉन साइन एच का मोड. एच पॉजिटिव माना जाता है हमेशा. कितना आया? लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो h upon sin h will be equal to कितना? 1. सर LHL RHL के इक्वल नहीं है, या सीधा सीधा बोल दो कि here function of 0 minus is not equal to function of 0, क्योंकि function of 0 है 1. This means function is not continuous at x equal to
सी एनसीईआरटी इस तरीके से करती है, हम लोग कैसे करते हैं, I'm going to rub it. If somebody has doubt in this solution, then ask me in the comment box. अब हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग ऐसे करते हैं. F of 0 minus निकालना है, 0 minus पर ये function लगेगा, तो limit x tending to 0 minus x upon mod of sin x कैसे खुलेगा? Minus sin x. क्या है? माइनस वन ऐसे कर लेंगे, बात तो वही है. यहाँ एच रखो, एच रखा था तो क्या है, एच टेंडिंग टू जीरो. और हम लोग एनसीईआरटी में कैसे सिखाया, एच टेंडिंग टू जीरो एक्स को रिप्लेस कर दिया जीरो माइनस एच से, जीरो माइनस एच अपॉन साइन जीरो माइनस एच का मोड. तो क्या आता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, बात वही है, माइनस एच अपॉन मोड ऑफ साइन एच, क्योंकि एच हमेशा पॉजिटिव है. तो माइनस एच अपॉन साइन एच कितना आया, माइनस, कैसे भी करो आपकी चॉइस, ठीक है. ओके बच्चों, मुझे जितना समझाना था बेसिक लेवल पर मैं समझा चुका हूं. अब आप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए. क्वांटिटी ऑफ अ फंक्शन में तीन टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे. टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन क्वांटिटी जो पूछी जाती है एग्जाम में. पहली, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी. दूसरा, यूजिंग कॉन्टिन्यूटी. तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल. तीसरे वाले टॉपिक को भूल जाओ, अभी हम लोग एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं कि ग्राफ बन रहा था एक्स इक्वल ए पर टारगेट करके, ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक लगाना और अगर कॉन्टिन्यूस है तो उसको यूज करना. इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम, और ये जब पढ़ेंगे तब देखेंगे. तो मैं आपको प्रॉब्लम्स देने जा रहा हूं, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आज के लेक्चर में हमारे पास आधा घंटा बचा है, आधे घंटे से आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में हम लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 ये ए है, लाइन नहीं है, ए है. Is continuous at x equal to 1, find a. Time limit only 40 seconds, your time starts now. एक ही वैल्यू आपको बताने है, ओके. मोहक तिवारी रिप्लाइड फर्स्ट. ओके, सुहानी अग्रवाल, स्वाति, मयंक, सबका आ गया रिप्लाई. सर, फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1. दिस मींस दैट 1 माइनस पर वैल्यू, 1 पर वैल्यू और 1 प्लस पर वैल्यू सेम होंगे.
मशीन को देखा 1 माइनस पर इसको फॉलो करेगा तो 1 माइनस पर वैल्यू आएगी a प्लस 3 प्लस 4। एलएचएम निकालने की टिप क्या है, जब भी a माइनस पर वैल्यू निकालनी हो तो a माइनस पर फंक्शन ढूंढो और a रख दो, क्योंकि a माइनस पर लिमिट इवैल्यूएट करना मतलब a रखना, लेकिन किस फंक्शन में a रखना है, जो फंक्शन a माइनस के लिए करता हूं। तो 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, ये वाला, इसमें 1 माइनस रख दो, 1 माइनस रखना मतलब 1 रखना। फंक्शन ऑफ 1 9, फंक्शन ऑफ 1 प्लस 9, तो a प्लस 7 इज इक्वल टू 9, दैट मींस a इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू साइन पाई x बाय 2, x लेसर देन 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, चेक f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और नॉट। टाइप करना है यस, अगर कंटीन्यूअस है टाइप करना है, नो अगर कंटीन्यूअस नहीं। और यहां पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यस और नो में जवाब देना है। ओके, आई गोट 1 2 3 4 5 6 7 यस, मतलब आपका ये कह रहे हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। ओके, फंक्शन ऑफ 1 माइनस, 1 माइनस पर कौन सा फंक्शन लगता है, ये वाला, तो लिमिट, वैसे यहां जरूरत नहीं लिमिट की, 1 माइनस यानी कि साइन पाई बाय 2 1, साइन पाई बाय 2 1, फंक्शन ऑफ 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्योंकि 1 पर ये है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, सो इट इज कंटीन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इफ फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 बाय x square, x greater than 0, e to the power x, sin x, plus pi x, plus a ln 4, x lesser than 0, is continuous at x equal to 0, find f 0, टाइम लिमिट 2 मिनट। अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ चुका है। मयंक कौशिक एनसीईआरटी मेथड वाले क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, बट अभी सिर्फ फील करो, पहले चीज को समझो। अभी क्वेश्चन एनसीईआरटी लेवल से कहीं अप है, इस क्वेश्चन को कीजिए।
अभी तक तो बच्चों मुझे कोई जवाब मिला नहीं है। ओके तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, 2 मिनट तो हो गए बच्चों। कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े हो, जो फंक्शन आपको दिया है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो? उससे आप f(0−) निकाल सकते हो, LHA और RHA निकाल सकते हो, लेकिन f0 नहीं निकाल सकते। तो f0 आपको डिसाइड करना है। तो f0 क्या होगा? f0 होगा LHA RHA के बराबर, यानी कि LHA और RHA बराबर होगी क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्सेप्ट ये बना, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x=0। दिस मीन्स f0 विल बी इक्वल टू LHA विल बी इक्वल टू RHA। मैं कोशिश, तुझे एनसीईआरटी के मेथड की चिंता नहीं करनी है। मैं हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी के मेथड से कर सकता हूं, मैं हर क्वेश्चन को शॉर्टकट से भी कर सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में हर एक चीज पर ध्यान देना है, जो नहीं समझ में आया है तुरंत पूछ लेना है। अनिमेश साहू का आंसर भी आ गया है। ओके तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि LHA और RHA दोनों बराबर होगी तो मुझे F0 निकालना है। तो मेरा बड़ा मन किया कि भाई F0 निकाल लेता हूं, तो F0 will be equal to, या तो मैं RHA यूज कर लूं या LHA यूज कर लूं, तो 0 प्लस इसमें रखा, तो 0, या फिर आप ये देखो मैंने कहा कि NCERT के मेथड से। तो अब बच्चों कॉन्टिन्यूस इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि F0 is equal to F0 plus is equal to F0 minus। Now f(0) प्लस में इवेल्युएट करो, h टेंडिंग टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, RHA मतलब 0 प्लस h पर वैल्यू और h टेंडिंग टू 0 होगा। बस h की जगह क्या रखा फंक्शन में, x की जगह क्या रखना है? तो देखो 0 प्लस इसको फॉलो करेगा तो 0 प्लस का फॉलो क्यों, क्योंकि 0 प्लस पर ये है ना, तो h किस में रखूंगा, तो 0 से बड़ा इसमें रखूंगा। 8 टू द पावर h माइनस 4 टू द पावर h माइनस 2 टू द पावर h प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर। नाउ यू मे फील दैट h टेंडिंग टू 0 पर 1 1 1 - 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 केस इज 0/0। अब इसको डील करना है, अगर आप एनसीईआरटी मेथड लगाते हो तो एक्सपेंशन करना पड़ेगा, या फिर लॉपिटल भी लगा सकते हो। तो मैं लॉपिटल लगा देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं आएंगे। लॉपिटल आप एनसीईआरटी में भी लगा सकते हो, बहुत पॉपुलर मेथड है, सभी को आता है। 8 टू द पावर h ln h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 4 टू द पावर h ln 4 माइनस 2 टू द पावर h ln 2 नीचे 2h, स्टिल इट इज द केस ऑफ 0/0। So I am processing f(0) plus limit h tending to 0, again the case of 0/0 I am applying L'Hopital, 8 to the power h ln 8 ka whole square, 4 to the power h ka differentiation 4 to the power h ln 4 to ln 4 ka whole square minus 2 to the power h ln 2 ka whole square divided by 2h ka 2। Ab h tending to 0 apply kar do to result aega ln 8 ka whole square minus ln 4 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो बेसिकली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ln 2, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ln 2, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ln 2, इट इज ऑलरेडी इन ln 2। इसको लिख सकता हूं 2 क्यूब यानी 3 ln 2, तो 3 ln 2 का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 2 ln 2 का होल स्क्वायर माइनस ln 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो 9 माइनस 4 माइनस 1 यानी 4 ln 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, रिजल्ट आया 2 ln 2 का होल स्क्वायर। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, f(0) क्या होगा? 2 ln 2 का होल स्क्वायर, 2 ln 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में मुझे
LHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो बोल रहा है कि ऑलरेडी ये कॉन्टिन्यूस है, तो हमें LHL निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पूछता ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ k, तब हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ता। सर ये एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मिल गई, आगे इस क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। यही एनसीईआरटी का मेथड है, ये इतना सा एनसीईआरटी का मेथड है, उसके बाद तो वही लिमिट के कॉन्सेप्ट। और ऐसे ही हम लोग निकालते हैं। ओके तो बच्चों अब हम यूज करेंगे एफ ऑफ जीरो माइनस। एफ ऑफ जीरो माइनस मतलब फंक्शन में जीरो नहीं रखना है, जीरो से कम रखना है, एच टेंडिंग टू जीरो। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच किसमें रखना है, इसमें e टू द पावर माइनस एच साइन एच प्लस पाई माइनस एच प्लस के एल एन फोर। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो अप्लाई किया, साइन जीरो जीरो प्लस जीरो प्लस के एल एन फोर। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के वी नो दैट फंक्शन ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो प्लस विच इज विच कम्स टू एल एन टू होल स्क्वायर। नाउ वी हैव सीन दैट एफ ऑफ जीरो माइनस आया है के एल एन फोर, सो के एल एन फोर इज इक्वल टू टू एल एन टू इन टू एल एन टू। एल एन फोर को क्या लिख सकता हूं, 2ln2 is equal to 2ln2 into ln2। ln2 से ln2 गया, 2 से 2 गया, तो k की वैल्यू कितनी आई, सो द वैल्यू ऑफ k इज ln2। तो k की वैल्यू आएगी ln2 और f0 की वैल्यू आएगी 2ln2 2 into ln2 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। Okay, so I'm going to give you the next question, and the next question is if f of x is equal to a into 1 minus sin x plus b cos x plus 5 upon x square x lesser than 0, 3 x greater than equal to 0 is continuous at x equal to 0, find a b। ये क्वेश्चन आंसर आप कैसे दोगे, पहले a की वैल्यू कोमा b की वैल्यू a के साथ आंसर देना है।
अच्छा, I have received five responses, so let's check them. यहां पर लिखा हुआ है कि सर फंक्शन जीरो के पहले इस तरीके से डिफाइंड है, जीरो के बाद इस तरीके से डिफाइंड है. तो कॉन्टिन्यूस यानी कि ये हो गया कि फंक्शन ऑफ जीरो माइनस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ जीरो प्लस. सर ये तो थ्री है ही. तो ये हुआ कि फंक्शन की LHL यानी फंक्शन ऑफ जीरो माइनस थ्री. तो यानी कि इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूं कि फंक्शन की जीरो माइनस एच पर वैल्यू वेयर एच इज स्टैंडिंग टू जीरो थ्री, ऐसे कर सकता हूं. या फिर इसको आगे बढ़ा दूंगा, या फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्योंकि बच्चों एफ ऑफ ए माइनस निकालने के दो तरीके हैं. ध्यान से सुनना, स्पेशली फॉर मयंक कौशिक, क्योंकि तो उसको ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी का मेथड और शॉर्टकट अलग अलग है, दोनों सेम है बच्चों. एफ ऑफ ए माइनस निकालने का तरीका है फंक्शन की ए माइनस एच पर वैल्यू और एक्सटेंडिंग टू जीरो. तो a माइनस एच के लिए सुटेबल फंक्शन ढूंढना और उसमें a माइनस एच रख देना. और फंक्शन ऑफ a माइनस मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a फंक्शन ऑफ x, ये वो फंक्शन है जो a माइनस के लिए वैलिड है, जो a माइनस के लिए दिया है. a माइनस के लिए दिया है मतलब a माइनस का मतलब क्या होता है, x लेसर देन a, बात वही है कैसे भी कर दो. ओके, एक और चीज और फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. टिप, f ऑफ a माइनस मींस, f ऑफ a माइनस मींस लिमिट h टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ a माइनस h और a माइनस के लिए सुटेबल फंक्शन में a रख देते हैं, या और अगर a रखने पर लिमिट या a रखने पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलती है. जीरो बाय जीरो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट एटसेट्रा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मिलती है तब लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक्सटेंडिंग टू वो. और ये वाला फंक्शन कौन सा रखेंगे, सुटेबल फॉर कुल मिलाकर के एफ ऑफ ए माइनस या एलएचएल निकालने का तरीका ये है कि या तो ऐसे ही इवेल्यूएट कर लो, या ए माइनस पर जो फंक्शन होता है एक्स लेसर देन ए के लिए जो फंक्शन होता है उसमें एक्सटेंडिंग टू ए डाल करके इवेल्यूएट कर लीजिए. फील करो बच्चों, यूजुअली किसी भी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर निकालने के लिए एक्स इक्वल टू ए ही रखा जाता है, लेकिन रखने पर अगर कांड होता है तो हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए लगा करके उसको लिमिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं. बस इतना सा है. अगर ये किसी को समझ नहीं आया हो टाइप नो इन द कमेंट बॉक्स. तो अभी आप ऐसे कर सकते हो, या फिर एफ एक्स कौन सा रखोगे, एक्स लेसर देन जीरो के लिए जो फंक्शन है, बात वही है. सो थ्री मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां वो फंक्शन जो एक्स लेसर जीरो के लिए काम आता हो. ए इंटू वन माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर. प्रॉब्लम क्रिएटिव जीरो बाय जीरो है, नीचे ये है एक्स स्क्वायर ढूंढना है बस. लॉपिटल नहीं लगाएंगे अदरवाइज ए और बी गड़बड़ हो जाएंगे.
a minus a sin x, sin x का expansion x minus x cube by 3 factorial and so on, b into 1 minus x square by 2 factorial plus and so on plus 5 divided by x square. ऊपर minimum जो भी आए वो x square से चालू होना चाहिए. आपको बताया था मैंने 0 by 0 अगर finite है तो केस बताया था कि कैसे होगा. अब ये आया a constant आया a plus b, ठीक है, फिर x के साथ आया माइनस ए, नहीं कांस्टेंट के साथ आएगा ए प्लस बी प्लस फाइव, एक्स के साथ आएगा माइनस ए, इधर से कोई नहीं आया, प्लस एक्स स्क्वायर के साथ आएगा, इधर से नहीं आएगा, इधर से आएगा माइनस बी बाय टू, फिर एक्स क्यूब के साथ जो भी आएगा डजंट मैटर एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. सही लिमिट तभी इवेलुएट करेगी. दिस इंप्लाइज अगर ये 3 है This shows that इसको जीरो होना पड़ेगा, इस पूरी टर्म को जीरो होना पड़ेगा. तो ये कब जीरो होगा, जब a plus b plus 5 जीरो, that means a plus b must be equal to minus 5 and minus a को भी जीरो होना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म जीरो होगी. इसको कौन जीरो करेगा, ये टर्म जीरो होगी तब x square can be divided by x square और फिर further x की टर्म्स तो लिमिट एक्सिस करते हैं, ये जीरो होगा एंड लिमिट आएगी माइनस बी बाई टू. आपको दिख रहा होगा एक्सक्वायर से एक्सक्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाद में फिर एक्स की टर्म्स. तो ये जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग फैक्टर है सीधा एक्सक्वायर से डिवाइड हो, एक्स की एक भी टर्म यहाँ नहीं रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट टर्म नहीं रहना चाहिए. माइनस बी बाई टू लिमिट की वैल्यू है, माइनस बी बाई टू कितना होगा, 3 के बराबर होगा. तो बी आ गया माइनस सिक्स, बी माइनस सिक्स डाला तो b माइनस सिक्स डाला इधर आएगा तो a आएगा 1. यानी हमने कहीं ना कहीं कांड किया है, कांड ये किया है कि एक्सपेंशन हमने साइन एक्स का तो सही लिखा है, कोस एक्स का भी सही लिखा है, फिर प्लस 5. तो यहां पर ये होगा कि सर कांस्टेंट आएगा a प्लस b प्लस 5, करेक्ट, x के साथ आएगा माइनस a, बस a को जीरो होना ही पड़ेगा. a 0 है तो b माइनस 5 होगा तो लिमिट आपकी आ रही है माइनस बी बाई टू एक्स स्क्वायर के साथ. तो लेट मी चेक द क्वेश्चन. a इंटू 1 माइनस x sin x, मैंने कांट किया बच्चों, क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, मैंने गलत लिखा है, यहां होना चाहिए a इंटू 1 माइनस x sin x. अब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो आपकी a और b की वैल्यूज करेक्ट आ जाएंगी. तो अभी जो भी आंसर आया मेरी वजह से आपको इनकन्वीनियंस हुआ तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है. यहां पर x रखेंगे, x रखते ये ax हो जाएगा, फिर बाकी पूरा का पूरा सही है, कांस्टेंट आएगा a प्लस b प्लस 5, करेक्ट, x के साथ कुछ नहीं आएगा, x के साथ 0 है, यहां से x मिला नहीं, यहां से मिलेगा नहीं, यहां से भी x नहीं मिला. x square के साथ क्या आएगा, x square के साथ आएगा माइनस का a, x square के साथ आएगा माइनस का b by 2 और x cube के साथ जो भी आना होगा. फिर हम इवेल्युएट करते हैं तो a plus b plus 5 0 होना चाहिए, ये ऑलरेडी 0 है एंड माइनस ए माइनस बी बाई टू विल बी द वैल्यू ऑफ द लिमिट क्योंकि एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो यही बस बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा. ये होना चाहिए 3. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इससे आया 2a plus b is equal to minus 6 और a plus b is equal to minus 5. सब्ट्रैक्ट किया ये आएगा माइनस 1, ये आएगा a, तो a equal to minus 1 होगा और b equal to माइनस 4. अब आप देखोगे a इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, माइनस 4 बाई 2 तो यानी प्लस का 2, प्लस का 2 और प्लस का 1 3, सब कुछ सही है. तो ये फाइनल आंसर है. आप लोग इसलिए नहीं दे पाएंगे आंसर क्योंकि मैंने क्वेश्चन गलत दिया था, क्वेश्चन वो था करेक्ट. अब ये क्वेश्चन जिसको समझ नहीं आया टाइप डाउट इन द कमेंट बॉक्स.
ओके, किसी का भी डाउट नहीं आया। सो बच्चों आपका आज का होमवर्क है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन बैंक कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पूछ लेना, कल डिस्कशन होगा फिर लेक्चर टू चलेगा। सो फाइनली आई एम गोइंग टू एंड द स्ट्रीम नाउ।